الحسن العبقى فورد अस्सलाम वालेकुम भाइयों, वेलकम बैक विद न्यू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यार अब सबको इंतजार होगा सरप्राइज़ क्या था। तो अभी मैं आपको सरप्राइज रिवील करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं आज उमरे पे। तो आज हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उमरे पे। तो अभी सुबह के बजे तकरीबन 8 हमारी तकरीबन अभी जोर के मतलब 2 बजे फ़्लाइट है हमारी। यार हमें 2 बजे फ़्लाइट है, अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं उमरे पे। मैंने कहा अचानक सबको सरप्राइज़ देते हैं। मैंने कहा अचानक बता के मज़ा नहीं रहेगा आपको, अचानक सब सरप्राइज में आ जाएगा, मतलब कॉन्टेंट ऐसा अचानक आ जाएगा ना, पता ही लगे आपको। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह तो उमरे पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार बुलावा आ गया यार, नसीब वालों को ये बुलावा होता है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को बुलावा ऐसा आता रहे और बंदे जाते रहे, आमीन। तो अभी सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 8:30 या 8 बज रहे होंगे अभी तकरीबन। अगर मतलब 1:30 बजे 2 बजे फ़्लाइट है, इधर से निकल जाएंगे 10:11 तक निकल जाएंगे भाई। और तो एयरपोर्ट में जाएंगे, इमिग्रेशन वगैरह भाई सिस्टम होगा, फिर आगे जाएंगे। लेकिन हम डायरेक्ट इधर से जाएंगे डायरेक्ट रियाज़ हमारा 4 घंटे स्टे होगा, 4 घंटे कुल मिला के ऐसे उधर जाएंगे। इमिग्रेशन होगी, सब पासपोर्ट वगैरह जमा होगी, मतलब 2 घंटे उसमें तो गुजर जाएंगे। जाहिर सी बात है रश भी होती है, तो फिर बचेगा 1 घंटा 1.5 घंटा फिर बैठे रहेंगे। फिर रियाज से हमारा जहाज़ उड़ेगा डायरेक्ट मक्का मुकर्रमा, डायरेक्ट मक्का पहुँचेंगे। फिर तकरीबन अगर हमारे जैसे 2 बजे फ़्लाइट है हमारी, 2 बजे जहाज़ उड़ेगा, तकरीबन फिर 2.5 घंटे का मतलब 1 या 2 घंटे का सफ़र है फिर रियाज तक। फिर 2.5 घंटे का मेरे ख्याल से 2.5 घंटे फिर जाएंगे, फिर बच जाएंगे तक 4:30। फिर 1 घंटे का आगे और सफ़र है रियाज से लेके मक्का तक, फिर मक्का तक 1 घंटा। फिर हम जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पहुँच जाएंगे उस वक्त। तो फिर जाएंगे होटल, जाएंगे सामान वगैरह रखेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर जाएंगे उमरा करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर दें यार, लेकिन अचानक मैंने आपको सरप्राइज़ दिया वरना मज़ा क्या रहता है। इसलिए अगर जो कुछ लोगों को शायद पता लग गया होगा, क्योंकि शायद उनको पता, जो हमारे रिश्तेदार करीब वगैरह उनको पता लग गया होगा, लेकिन जो सबको नहीं कुछ लोगों को पता लग गया होगा कि कॉन्टेंट देख के समझ गए होंगे कैसा क्या सरप्राइज़ है। बस चलो ठीक है, समझ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा सब्सक्राइब भी कर लें, थोड़ा भी कपड़े वगैरह चेंज करेंगे भाई पाकिस्तानी का एरिया। हाँ और हम एरिया हम पहनेंगे रियाज से, क्योंकि नियत तो रियाज से करके चलेंगे ना, इधर से थोड़ी उधर से नियत करके बिस्मिल्लाह करके चलेंगे। तो इसमें मैंने आपको बोला था बेस्ट से बेस्ट लोग आने वाले हैं, तो ये बेस्ट से कुछ हो सकता है यार। ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके मैं इसको भी लेकर चलता, लेकिन इसकी पासपोर्ट ही नहीं है, क्या करें यार, याद आएगी कोई नहीं होता है। मैं तुम्हें तो मैं नहीं लेकर जा रहा, खुश नहीं हो तुम, इधर ही हो मिठू, ये तो इधर ही। सबको यार मिल लेते हैं यार बेचारों को, ये बस खैर खैर बस खैर, रो नहीं बस होता है खैर है। तो यार इन बाहर वाले दो तो फिर देख लेते हैं, इनको बता देते हैं कि हम जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा, इनको बता देते हैं सही ना जा रहा हूँ, ठीक है अपना ख्याल रखना, ठीक है मिलते हैं आपको बाद में चलें। तो यार टाइम तो 9:30 हो चुके हैं और मैं तैयार भी हो चुका हूँ, पहले अंदर बैठते हैं। बड़ी ऊपर खड़ी की किसने की है भाई ये, अबे बड़ी ऊपर खड़ी की जिसने भी की है ये। अभी तो तैयार तो हो चुका हूँ, टोपी तो मैं नहीं पहनूंगा, मेरे भाई की पहनी हुई फयाद ने, मोटा भाई है ना जो मैं मोटा हो गया उसकी पहनी हुई है। तो अभी सामान रखना है थोड़ी देर में, थोड़ी दुकान में काम है, दुकान तक जाते हैं कुछ लेना है, फिर आते हैं, फिर सामान रखते हैं गाड़ी में, फिर चलेंगे। और अभी तैयार हो गए हैं तकरीबन, कितने 10 बज गए वही हमें, मतलब 1 घंटा है अभी हमारे पास। तो चल चलते हैं यार, धूप बड़ी है इसलिए मैंने बाय टॉप भी पहन ली यार। कितनी डिग्री है? 33 डिग्री, माशाल्लाह। चलें चलें दुकान चलते हैं सर, इंशाल्लाह आपको भी बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, जो हम मक्का के मदीना के व्लॉग बनाएंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे यार। ऐसी जगह कोई इंजॉय नहीं करेगा यार इंशाल्लाह। हम याद है पिछले साल भी गए थे और उससे फिर अभी मैं 7 महीने पहले हो गया था अभी, माशाल्लाह यार अल्लाह के बुलावे ऐसे आते रहे आमीन, और आप सबको भी आते रहे आमीन। तो यार इंशाल्लाह चलेंगे, अभी खुशी हो रही है, अभी से एक्साइटमेंट होते हैं, एक्साइटमेंट भरी पड़ी है भाई, बंदा जाए वो जो फीलिंग है वो नहीं बता सकते। बस चलें अभी चलते हैं दुकान चलें। तो चल अभी चलते हैं, पहले घर पर ये काम करते हैं, सारा बैग वगैरह जो सामान अंदर पड़ा है वो निकाल के फिर रखते हैं बाहर। वो भैया मैं कोशिश करूँगा जितने मुझसे मैं रख सकें गाड़ी में रख लूँगा, और मेरा भाई फयाद वो ना रहा होगा अभी, वो ना के निकल लेगा, फिर दोनों साथ एक साथ रख लेंगे। अभी चलते हैं घर फिलहाल, अभी चलते हैं घर, अभी सामान में जितना मुझसे हो पाता है मैं जितना रखूँ, पहले निकाल तो नहीं, पहले निकल सकता है नहीं निकल सकता क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा होगा ना। चले ओके चले यार, घर तो पहुँच चुके हैं, चलते हैं अंदर।
सामान बाहर रखते हैं, देखते हैं कुछ करते हैं। फिलहाल तो मैंने ये दो चीज़ें उठाई हैं, सामान थोड़ा ज़्यादा है, अकेले मुझसे नहीं होगा, मुझसे जितना होता है ये बाहर रखता जाता हूँ। अब पता नहीं कौन सी गाड़ी में जाना है, सिछड़ों में जाना है, एक्वा में जाना है, पता नहीं यहाँ सीट में जाना है, देखते हैं। तो फिर सामान वही ज़्यादा है, 5-6 ले गए हैं, समझा खुद ही अकेले रखूँगा। चलो जितना होता है मैं रखता जाता हूँ इधर साइड में। चले तो एक को भी रख दिया सामान, इसको भी रख दिया, अब ये रखना है इसको, एक और भी है। चले हो जा, नहीं भाई एक सेकंड आगे करें, बिस्मिल्लाह है, क्या सीन भाई, शायद लग रही है फंसे, सबर। हाँ मिशन कम्प्लीट हो गई, आराम उठा लिए, आराम रखते हैं, डिगे मेन असल चीज़, क्योंकि हम तो रियाज से पहनेंगे, उधर नियत तो दस ही करेंगे यार, इस पर मुश्किल से इतना बंद किया था यार, अब यार अब रखना भी मुश्किल से पड़ेगा, रख दो इसको यार बंद हो जाए। आपको याद वगैरह पिछले साल जा रहा था, मैं इधर ही खड़ा था, आज भी इधर ही खड़ा हूँ। तो अभी जाके अभी जाना है, अभी बस हो गया सब कुछ हमारा, अभी जाके सकून से वेटिंग हॉल में बैठने, फिर बस कुछ नहीं, अभी जहाज में जाके फिर बैठना है, तो अभी फ्लाइट है। चले काफ़ी टाइम लग गया बोर्डिंग और इमिग्रेशन में, ये टाइम हमेशा लगता रहता है। चले हमारी जो है ना क्या कहते हैं फ्लाइट, वो है सऊदी एयरलाइंस की। हाँ तो हमारा जहाज अभी तक आया तो नहीं, मेरे ख्याल से वो दिख रहा है ऊपर, उसका दिख रहा होगा, अच्छा अच्छा खड़ा हुआ है सऊदी एयरलाइंस, वो रहा तो चलेंगे सुकून से, फिर नींद भी काफ़ी अरे सो जाएंगे। चले आपको याद था हम पिछले साल भी इसी जगह में खड़े थे, हाँ बाल तो कटा लो, याद है आपको इसी जगह में खड़े थे हम, बोल रहे थे उम्र जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये मैंने पहले शलवार कमीज इससे पहले थी शलवार, आपने पहनी से पेंट शर्ट, मैंने पहले शलवार कमीज। तो चलें अब यार, धूप भी पड़ी है, रोज़ा भी लग रहा है, रोज़ा लग रहा है नहीं खास लग रही ना, अभी रहे मतलब शुरू में खड़े थे सामान वगैरह ले रहे हैं, अब चलें। रश भी इस साल इतनी खास नहीं, एयरपोर्ट में रश है इस साल दिख रही है, ये चुभीदा आ गया थोड़ा, पिछले साल इतनी बोल रहा था, मुझसे ज़्यादा ही बोला था, चुप कर खड़ा हुआ। तो चलें अब चलते हैं यार, अच्छा हमने बोर्डिंग तो यहाँ से ले ली ना, बोर्डिंग तो होगी ना हमारे यहाँ से, अभी हमें बोर्डिंग उधर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर मिल गई एक दफ़े, मतलब फारी इधर थी हो गई, अब आगे नहीं होनी, ये सीन है यार। जो एयरपोर्ट का माहौल ऐसा होता है बिल्कुल सुनसान, देखिए ये जहाज पिया, ये मेरा खड़ा हुआ है, ये मैंने रेस्ट में लगा दे थोड़ा, हमारा जहाज वो मेरा जहाज वो खड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, वो देखो क्या मसला है, ले लेंगे यार, क्या लोहा तो है। चलें किसको स्ट्रिक भेज रहे हो, चलें। और मैंने आपको बताया था हम एहराम भी रियाज से पहनेंगे, क्योंकि उधर से हम नियत करेंगे एहराम पहनेंगे, भाई आपको बड़ा प्यारा लगेगा एहराम, बड़ा प्यारा लगेगा माशाल्लाह, ये गंजी होंगे, हम दोनों गंजी होंगे, ये क्या एक घुमा के दो गंजी नहीं होंगे, देखो एक लोग में काफ़ी लंबा हो गया, रियाज में पहुँच के एंड करेंगे, कुछ करेंगे पासपोर्ट वगैरह पड़ी हुई है, वो मेरा जहाज देखा था वो रिपेयर करवाना था, इसलिए वो खड़ा हुआ देख रहा हूँ उसको, ऐसे ये तो ऐसे खड़ा हुआ जैसे एयरपोर्ट ही सारा इसका है। पाकिस्तानियों ने 200 रुपए वाले पत्थर, हाँ देखे शोपीस नकली पाकिस्तान डाले, दिस इज पाकिस्तान, तो चले आखिर मज़ा इधर का सारा, इधर से आगे जाएंगे फिर लंबी कहानी है। चले Oh।
يحوي إلى زقاء فيت على الحسن العبا. अल्हम्दुलिल्लाह रियाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो आपने देखा होगा जहाज है खिड़की साइड नहीं बैठा बेटा बीच में, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ना गिर के, वो किसी बंदा बैठा उसको मैंने बोला था पहले, फर्स्ट टाइम मैं गया खाली पड़ी थी मैंने बनाई, दूसरे एक बंदा बैठा उसको मैंने कहा थोड़ी वीडियो बनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके, अभी बस आएगी थोड़ी देर, बस उठाएगी मतलब जाके डायरेक्ट फेंकेगी रियाद जो इंटर मेन जो एयरपोर्ट है वहाँ। अभी तो हम यहाँ पर बसेज आती मतलब जैसे जहाज उतरते हैं यहाँ पर आते हैं, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ होगी, सब हो गए फारी, अभी आगे चार घंटे बैठने हैं, चार घंटे क्या 7 बजे मतलब ज़्यादा उड़ेगा, अभी बजने तक 5 मतलब 2.5 घंटे हैं अभी, रोज़ा भी देर खोलेंगे हम इधर एयरपोर्ट में रियाद। तो अभी देखते हैं सामान वगैरह जो जिसको रियाद जाना है उसको सामान यहाँ से उठा लें, लेकिन हमें तो जिद्दा से मिलेगा क्योंकि हमने रिसीव वहीं से करना है हमारा सामान, क्योंकि हमें तो जिद्दा साइड जाना है, फिर हमें कज़न वगैरह आएंगे वो उठा लेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल अभी 1 घंटा और भी सफ़र करना है जहाज़ में, अभी तक 2.5 घंटे में थोड़ा बहुत सोया गया था जहाज़ में और नींद आ गई थी मुझे, तो जो बस आती है फिर चलते हैं थोड़ी देर में जो एयरपोर्ट है रियाद का मेन मतलब जो मैंने ये तो ऐसी बस जहाज उतरते लोग इधर आते हैं फिर आगे जाते हैं। चले मैं आपको बता दूं, और जो हम जाएंगे ना जद्दा में जो हमें क्यों आए सऊदी एयरलाइंस के एयरलाइंस है ना सऊदी, इसलिए हम जाएंगे नए एयरपोर्ट में, उन्होंने बिल्कुल नया एयरपोर्ट बनाया। तो पहले हम जाते हैं हाजी कैंप जो हाजी वगैरह होते हैं जैसे उमरा करने आते वो जाते हैं उस मतलब एयरपोर्ट में, लेकिन वो फर्स्ट टाइम हम जाएंगे उस एयरपोर्ट में, वो नया एयरपोर्ट बनाया बहुत खूबसूरत, देखेंगे चल क्या वो दिखाएंगे। चले चल बिक खाना भैया आपको, हाँ अपना पेट तो देखो। यार तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बैठ तो चुके हैं, सबको हो गया है अभी सुकून से बैठ गए, फिर इतने लोगों ने ब्रेन बना दिए, इतने ब्रेन बना दिए पता ही नहीं चला, बहुत ब्रेन है काफ़ी और इतना बड़ा है पता बंदा पहुँच नहीं सकता, तो सुकून से जाके बैठे सामने जहाज है। अब आएगी तकरीबन फिर ऐलान होगा मतलब अब जब होगा तब 7 बजे तक जहाज उड़ेगा हमारा, 7 बजे उड़ेगा फिर 2 घंटे मतलब वैसे भी थकी हूँ अभी 2 घंटे बैठने इसी जगह में क्या करें, तब तक नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा होता है ब्लॉग भी एंड करते हैं फिर दूसरा स्टार्ट करना है ठीक है, और ब्लॉग पर तो लाइक भी कर देना शेयर भी करना सब्सक्राइब भी कर देना, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह।